एसएससी एमटीएस की तरफ से एक बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। एमटीएस का फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है, लेकिन इम्पोर्टेंट रहा था कि एसएससी एमटीएस 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप कट ऑफ का एनालिसिस करना चाहते हो, एक बार मैं आपको दिखा भी दूँ। पहले बेसिक डिटेल्स बताई गई हैं कि कितनी वैकेंसीज थी एमटीएस के लिए, हवलदार के लिए कितनी फिल करी गई हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अभी फिलहाल आपको। हम यहाँ पे चलते हैं रिजल्ट की तरफ से, रिजल्ट वाले सेक्शन की तरफ चलेंगे। ये पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है चंडीगढ़ में, जैसे आप यहाँ पर देखोगे मार्क्स 92.114 मार्क्स आपको देखने को मिल रहा है पेपर वन में, ये 93 मार्क्स, यहाँ पर 90, 72 जनरल के 94 जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्क्स यहाँ पर जा रहे हैं, फिर हिमाचल प्रदेश में जनरल के 93 जा रहे हैं, पंजाब में अनरिजर्व कैटेगरी के 94, 95 तक जा रहे हैं, 95 तक जा रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अगर हम अनरिजर्व या फिर जनरल कैटेगरी की तरफ आएंगे तो 95 मार्क्स यहाँ पर जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो स्कोर कितना ज़्यादा जा रहा है ना। तो इसी तरीके से आप किसी भी रीजन वगैरह, जोन वाइज वगैरह आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो। फिलहाल ये पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा कट ऑफ वगैरह वाला, आप यहाँ पर जाके कट ऑफ का एनालिसिस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक रिजल्ट दिखाऊंगा, यहाँ पर 97 आपको देखने को मिल रहा है ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी, ऑल इंडिया आप देखोगे 97.10885 मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप कट ऑफ देख सकते हो। लेकिन एक बात को ध्यान पे रखना है, जो 2021 का पेपर था, जो पुराना पेपर था, जो आज का पेपर है, इसको आप, इनके कट ऑफ को आप मतलब एक तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पर जो पेपर होता था उसमें रीजनिंग भी इंक्लूड करनी है, जीके भी इंक्लूड करना है, मैथ को भी इंक्लूड करना है, और इंग्लिश को भी या फिर लैंग्वेज को भी इंक्लूड करना होता था। और आज के टाइम पर ऐसा हो गया कि रीजनिंग और मैथ तो सिर्फ हो गया क्वालिफाई करने के लिए, तो बच्चे पहले पूरी मेहनत मैथ और रीजनिंग पर लगा देते थे। जो बच्चे मैथ में वीक है, जीके में वैसे भी सबको थोड़ी प्रॉब्लम आती ही थी, पेपर टफ आता था, तो बच्चे स्कोर करते थे रीजनिंग या मैथ वगैरह में स्कोर कर लेते थे। ये दो सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इस बार ये कट ऑफ से ही बाहर है, इस बार कट ऑफ जीके और इंग्लिश पे डिसाइड होने वाला है। जीके का वैसे पेपर थोड़ा खराब सा आ जाता है, तो इंग्लिश पे सारा फोकस करना पड़ेगा। इस बार के कट ऑफ में जो है ना, ज्यादा चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। और हम ऐसे कहते थे पहले बच्चे जो किसी और एग्जाम की तैयारी करते थे वो भी एमटीएस में अप्लाई कर देते थे, तो उनको बाकी सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती थी, अच्छे से तैयारी करी होती थी, लेकिन इस बार सब कुछ चेंज होने वाला है। तो इस बार हम कट ऑफ को कंपेयर नहीं कर सकते कि उस बार कट ऑफ इतना गया था, इस बार कितना जाने वाला है, लेकिन इस बार ये है कि आपका जीके और इंग्लिश कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड रहता है। तो हर एक तरह की प्लेलिस्ट आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे जीके की हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हो, आप सभी वीडियो जाके देख सकते हो, तैयारी कर सकते हो। एसएससी इंग्लिश की प्लेलिस्ट को भी अपडेट करा गया है, और साथ ही साथ एसएससी एमटीएस की टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके एमटीएस की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर कई तरह के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, वहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेगा। आप वो भी जाके जरूर अटेम्प्ट कर लेना, आपको लीडर बोर्ड सामने शो होता है, बाकी बच्चों से कंपटीशन आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, दोनों जगह आपको एप्लीकेशन का और जो हमारा एसएससी एमटीएस का टेस्ट सीरीज का कोर्स है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।